नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मनवास किचन में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोतीचूर लड्डू बनाने की सबसे आसान रेसिपी। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम मोतीचूर के लड्डू आसानी से बिना बूंदी पाले कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू है। देखिए कितने जूसी, कितने मॉइस्ट और कितने बढ़िया बने हुए हैं ये हमारे मोतीचूर के लड्डू। और ये हमने बनाए हैं बहुत ही कम समय में, वो भी बिना बूंदी पाले। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बूंदी के लड्डू यानी मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है 2 कटोरी चना दाल। आप जिस कटोरी का इस्तेमाल करोगे उसी कटोरी से आपको सभी नाप लेने हैं। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चना दाल ली है और उसे हमें अच्छे से धो लेना है। धोकर फिर हम उसे कम से कम 2 घंटे भिगोने के लिए डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 घंटे दाल भिगोने के बाद ये आपकी जो दाल है वो इतनी बढ़िया से भिज जाएगी। बस 2 ही घंटे हमें इसे भिजाना है। उसके बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे हम कर लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा बारीक। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है और मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बस 2 से 3 पल्स हमें इसे देने हैं मिक्सर में। ये देखिए 2 से 3 बार अच्छे से मिक्सी में पीसने के बाद, यानी कि 2 से 3 पल्स देने हैं तो ये अच्छे से दरदरा पीसा जाएगा। ये देखिए, तो इसी बस अब इसका हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में आप तेल गरम कर लीजिए और उस तेल को गरम होते ही आप चेक कर लीजिए अच्छे से गरम हो चुका है क्या। और जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाता है हम उसमें इसके पकोड़े तल लेंगे। पकोड़े हमें पूरे नहीं तलने हैं, हमें इसे पूरा पकोड़ों की तरह ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसका जो बेसन है यानी जो चना दाल है उसे पकाना है। तो ये जो हम पकोड़े तल रहे हैं इसे बस मीडियम आंच पे हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। बस ज़्यादा नहीं, इसे ब्राउन नहीं करना है या इसे पूरा पकोड़े की तरह नहीं हमें पकाना है, बस 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, पका लेना है। और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाते हैं आप इसे बाहर निकाल लीजिए, यानी हमें इसे आधा ही पकाना है। तो इसी हिसाब से सारे जो हमारे पकोड़े हैं हम इसके चना दाल के पकोड़े अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए ये आधे ही पके हुए हैं, इसी कंसिस्टेंसी इसी स्टेज पे आप इसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट ही बस मैंने इसे फ्राई किया है, जिसकी वजह से क्या होता है जो चना दाल है वो हमारी अच्छे से पक जाएगी। बस हमें इन पकोड़ों को करना है ठंडा और जैसे हमारे पकोड़े ठंडे हो जाते हैं आप उसे मिक्सर से बारीक पीस लीजिए। तो तैयार है हमारी बढ़िया सी बारीक सी बूंदी, वो भी कम मेहनत में। तो अब हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आप एक पैन लीजिए, कढ़ाई लीजिए और उसे गैस पे चढ़ा दीजिए और उसमें हम डालेंगे 2 कटोरी शक्कर और साथ ही में 1 कटोरी पानी। अब बस इसे अच्छे से हमें मिलाना है, जो शक्कर है वो अच्छे से घुल जाने चाहिए। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर जो मैंने शक्कर के साथ पीसी है, जिसकी वजह से बहुत महीन पीसी गई है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है और जैसे ही हमारी चाशनी को अच्छे से उबाल आ जाता है हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, यानी खाने का नारंगी कलर मैं इसमें डाल रही हूँ, वो भी 1 चुटकी। अगर आपको खाने का रंग नहीं पसंद है तो आप नहीं डालते हो तो भी चलेगा, बस अगर हम इस कलर को डालते हैं तो हमारे जो लड्डू है वो दिखने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर दिखेंगे। तो ये तैयार हो चुकी है मेरी बढ़िया सी चाशनी, इसे बस एक अभी उबाल आ जाना चाहिए। और जैसे ही इसे अच्छे से उबाल आ जाता है तकरीबन 1 तार की चाशनी ये बन जाती है, तब हम इसमें डालेंगे हमारी तैयार की हुई बूंदी। तो है ना एकदम आसान दोस्तों, बस इस सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिलाना है और इसे लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक चलाना है, जब तक सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से घुल मिल नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपकी जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो लड्डू है वो सख बन सकते हैं। अब ये लगभग हो चुका है, हम हमारा गैस बंद कर लेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है 1 चम्मच और इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लीजिए, मैंने यहाँ पे लिए है 10 से 15 काजू, 7 से 8 बादाम जिसे हमने बारीक काट लिया है और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश। अब इन सारी चीज़ों को बस हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से मिला लेना है
है, 2 से 3 मिनट आप इसे चला लीजिए, इसे जलाना नहीं है। और बस जैसे 2 से 3 मिनट ये अच्छे से घुल मिल जाते हैं, पक जाते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा गैस को कर लेंगे बंद और घी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स है वो सारे हम डाल देंगे हमारी बूंदी वाले मिश्रण में। अब बस दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। अभी जो ये मिश्रण है वो काफ़ी गर्म है, तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और फिर हम इसे ढक कर छोड़ देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। जैसे ही हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम बनाएंगे इसके लड्डू। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो मिश्रण है वो अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आप अपने मनपसंद साइज से अपने मनपसंद आकार के लड्डू बनाइए। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। आप इसे हल्के हाथ से लड्डू बनाएंगे तो हमारे जो दानेदार बूंदी है वो वैसे ही दिखेगी, और अगर आप इसे ज़्यादा प्रेस करके बनाओगे तो जो लड्डू है वो बिल्कुल चिकने बन जाएंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से लड्डू बनाइए, आपको दानेदार चाहिए या एकदम चिकने या स्मूथ लड्डू चाहिए, इस हिसाब से आप लड्डू को बनाइए और एक हमारे प्लेट में रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, तो देखते हैं हमारे लड्डू कैसे बने हैं। ये देखिए कितने आसानी से टूट जा रहे हो, कितने जूसी हो, कितने मॉइस्ट हमारे लड्डू बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है आप उसे प्रेस कर दीजिए, साथ ही में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।